नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। ओबीसी आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। अब बस राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही राज्य सरकारों को अधिकार मिल जाएगा कि वो किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकती है। विपक्ष चाहते हुए भी सरकार का विरोध इस बिल पर नहीं कर पाया, लेकिन विपक्ष ने सरकार को हर संभव तरीके से घेरने की और सरकार पर वोट के लिए राजनीति करने का आरोप जरूर लगा दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जितना आसान इस बिल का पास होना है, उतनी ही मुश्किल इसका जमीन पर लागू होना लग रहा है, क्योंकि आरक्षण का लाभ ले रही जातियां नई जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने का विरोध कर सकती हैं। तो आज बड़ी चर्चा इसी पर होगी कि जो 50% वोट माफ कीजिएगा 50% कैप आधारित किया हुआ है, क्या इसे हटाया जाता है और नई जातियों को शामिल किया जाता है। साथ ही साथ क्या ओबीसी कार्ड अब सबसे अहम हो गया है राजनीति में, जिसको लेकर हर पार्टियां मैं पर उतर आई है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग में जातियों को शामिल करने का अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हो गया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपनी जरूरतों के हिसाब से ओबीसी की लिस्ट तैयार कर सकेंगे। जो निर्णय लिए गए उसके कारण से ओबीसी के समुदाय में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है। ओबीसी की जो केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान का 127वां संशोधन विधेयक 2021 का दोनों सदनों में पारित होना हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण क्षण है। ये विधेयक सामाजिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाता है। ये हाशिए पर पड़े वर्गों को सम्मान, अवसर और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। हरियाणा, पंजाब में जाट, महाराष्ट्र में मराठा और गुजरात में पटेल जैसी जातियां आरक्षण के लिए खुद को ओबीसी में शामिल होने की मांग उठा सकती हैं, क्योंकि ये जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग करती रही हैं। हालांकि आरक्षण की लिमिट को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे में अगर राज्य सरकारें अपने सूबे में किसी नई जाति को पिछड़ा वर्ग का दर्जा देती हैं, तो ओबीसी में पहले से शामिल जातियां इस विरोध में खड़ी हो सकती हैं। ये भी अच्छा है कि स्टेट को मौका मिल रहा है, वो अपने आप फैसला ले सकते हैं किन जातियों को ओबीसी में शामिल करना है। लेकिन क्या एक ही जगह पर जब तक आप 50% की कैप नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ओबीसी को पूरा आरक्षण मिल जाएगा? आप एक ही कमरे में न जाने कितने लोगों को बैठाना चाहते हैं। आप कहते हैं इसी सदन में, क्योंकि ये लोकसभा छोटी पड़ रही है, हमें एक सेंट्रल व्यवस्था बनाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा सदन बनाना है हमें, सब आराम से बैठ सके। तो आप अपनी सहूलियत के लिए तो बना रहे हैं सेंट्रल व्यवस्था, लेकिन आरक्षण जो सबसे मूल भावना रही मंडल कमीशन की, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। बता दें, लंबे समय से कुछ जातियां ओबीसी आरक्षण में शामिल किए जाने की मांग कर रही थी। कुछ समय पहले तक जातियों को ओबीसी में शामिल करने का अधिकार राज्यों के पास ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए ये अधिकार छीन लिया। लेकिन अब संसद के दोनों सदनों से ओबीसी आरक्षण बिल पास करके ये अधिकार फिर से राज्यों को दिया जा रहा है। यहाँ तक ठीक है, लेकिन न चाहते हुए भी विपक्ष को इस मामले में सरकार का समर्थन करना पड़ा है। लेकिन विपक्ष ने संसद में सरकार को जमकर घेरा। विपक्ष ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। असल में सारा खेल वोट का है। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने बड़ा दांव चला है, लेकिन विपक्ष को समझ आ गया है कि यह दांव बीजेपी को चुनाव में सीधा फायदा पहुंचाएगा। बस इसी को लेकर अब सरकार और विपक्ष में तकरार बढ़ती जा रही है।
बड़ी बात यह है कि जितना आसान इस बिल को जमीन पर लाना लग रहा है वो उतना है नहीं, क्योंकि इसमें अभी और भी पेच है। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। चर्चा का आगाज करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या ओबीसी कार्ड से ही इस बार उत्तर प्रदेश में खेला होगा। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस नेता हमाम वहीद जुड़े हुए हैं। अश्वनी शाही बीजेपी का पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले अश्वनी जी, आपसे सवाल, बीजेपी ने ओबीसी कार्ड एक बार फिर खेल दिया है और मैं की राजनीति आ गई है कि हम हितैषी हैं ओबीसी के, तो जिस तरह से आप ओबीसी का ये आरक्षण लेके आए जिसमें राज्यों को अनुमति मिल गई है, क्या ये राजनीतिक तौर पर जरूरी था, उसकी मांग थी, या फिर वाकई ही पिछड़ा वर्ग के आप हितैषी हो गए हैं? ये देखिए, पार्टी की सरकार हमें कहने में बताने में थोड़ा भी गुरेज नहीं होगा कि हम सारे वर्गों को साथ में लेकर चलते हैं। और ये चुनाव का समय है इसलिए इस चीजों पर ये इतना सवाल उठ रहा है क्योंकि सरकारें काम करती हैं, केंद्र सरकार काम कर रहा है, बिल पास करा रहा है, तो चुनाव तो हर साल कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, पूरे देश में चुनाव होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ, पिछले साल चुनाव हुए थे, तो क्या सरकारें काम करना बंद कर दें? ऐसा भी नहीं हो सकता है। सरकारों का अपना एक सरकारी एजेंडा होता है जिसके थ्रू कभी अपना जो भी बिल पास कराने होते हैं वो कराते हैं। अब हम इसको इसलिए देखें क्योंकि देखिए ओबीसी हो या कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि कोई वंचित रह जाए। वंचित को सिंचित करना ही भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो उसमें आज हम एनडीए के सरकार में सबको साथ में लेकर चलते हैं, उसमें जो पिछड़े वर्ग के हैं, देखिए हमने तो अगड़े को भी दिया था, हमने तो 10% का आरक्षण भी पहले भी घोषणा कर दी थी क्योंकि वहां भी गरीब लोग थे। ऐसा नहीं है, हम आरक्षण की घोषणा करना, ओबीसी का बिल पास कराना कोई हमारा जाति का वो नहीं है। हमारा पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर चलने वाली सरकार आज जो है ओबीसी जातियों के लिए अगर बिल लेकर आई है, चूंकि देखिए ये मराठा का उसमें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आज जो है वो करके कि राज्य सरकारें पहले बनाया करती थी लिस्ट अपना ओबीसी का, अब राज्य सरकारों को ये अधिकार होगा कि सारे राज्य सरकार इसको अपने तरीके से कर सके, तो क्या पूरे देश में चुनाव है? ऐसा भी नहीं है कीर्ति जी, इसको मानना पड़ेगा। जो राज्य सरकारें नहीं करना चाहती है मत करें, जिसको करना हो कर ले। ये एक केंद्र सरकार ने बिल में संशोधन किया है और संशोधन करने के बाद चला आ रहा था 2018 तक जब राज्यों के पास ये अधिकार था तो केंद्र ने ले लिया और अब एक क्रांतिकारी तौर पर ये फैसला लेकर आए हैं, तो ये जो यू टर्न मारा गया है ये क्यों मारा गया है? कीर्ति जी देखिए, हो सकता है कि उनके 2018 के फैसले में कुछ खामी हो तो सरकार ने उसको सुधार कर लिया समय रहते, जो अधिकार राज्यों के पास था वो केंद्र के पास गया, उसके बाद उन्होंने खुद राज्यों के पास दे दिया, तो इसमें क्या चीजें बदलाव की गई हैं? 50% की कैप तो अभी भी लागू है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 27% आरक्षण में ही दायरे में रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। चलिए आप ये बता दीजिए, 39 लिस्ट जातियों की तैयार है उत्तर प्रदेश की, अगर हम बात करें तो क्या उसमें जो दायरा है आप उसको बढ़ाने पर अभी कोई विचार कर रहे हैं? इसको दायरे को बढ़ाया जाएगा? देखिए अब ये तो राज्य सरकार का लिस्ट बन रहा है, अब लिस्ट में कितने लोग आते हैं वो तो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश की तैयार थी पहले से ही 39 जातियां, उसमें पहले से ही उन्होंने इस 39 लिस्ट में शामिल करी हुई है, तो इसका दायरा बढ़ाएंगे आप? जो छूट गए होंगे उसको शामिल किया जाएगा। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे हैं ना, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आप तो एक ही कमरे पर पहले से जहां लोग बैठे हुए उसमें और भरने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों का हक मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी को अगर ये लगता है कि हक मारने की कोशिश कर रहे हैं तो अखिलेश यादव की कभी जीवन में 10-20 साल बाद सरकार आएगी तो बदल देंगे उसको, ना करेंगे संशोधन, ना उसमें बढ़ाएंगे। अब एक कमरे में भीड़ है, जब इनको देखिए जब आरक्षण सरकार देती है तो कष्ट हो गया, जब नहीं देती। आप एक बात बताइए, पूरे इस लोकसभा के सत्र में किसानों के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर बाहर ड्रामा होता रहा, अंदर किसी दिन कार्यवाही नहीं चलने दी गई,
लेकिन जैसे ही ये बिल पास हुआ सब लोग मौन समर्थन करके बैठ गए कि कहीं मेरा वोट बैंक ना खिसक जाए। तो ये है इनकी असलियत। नहीं अश्वरी शाह, ये किसी के लिए नहीं लड़ते, ये सिर्फ अपने लिए लड़ते हैं। उस पर तो हम पूछ लेंगे उनसे सवाल, लेकिन आप ये बताइए ना कि जो 27% का आरक्षण का दायरा है जिसमें ऑलरेडी नौकरियां नहीं मिल रही है, नौकरियों का आह्वान है, उसमें और जातियों को शामिल करके आप जो पहले से आरक्षित जातियां थी उनका भी हक कहीं ना कहीं मरेगा, तो क्या ये जो 50% की कैप है उसको बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, उसका दायरा और बढ़ेगा? आपको नौकरियां नहीं मिल रहा कीर्ति जी, भ्रामक स्थितियां जो है ये लोग विपक्ष फैला रहा है। 1 लाख नौकरी मायावती जी नहीं दे पाई, 2 लाख नौकरी अखिलेश जी नहीं दे पाए, और माननीय योगी जी आज भी सुनिए कल भी उन्होंने नियुक्ति पत्र बताया 6.5 लाख से ऊपर नौकरियां नौकरी और संविदा पे नौकरियां किस कदर है वो हमें भी पता है। आरक्षण में आज भी लोग भटक रहे हैं नौकरियों के लिए, आज भी कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है ये आपको पता है अश्वनी शाही जी, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीर्ति जी एक सम्मानजनक चैनल है आपका एक, और हर 6.5 लाख में संविदा की नौकरी, आप संविदा की बात करती हैं, हम लोगों ने सरकारी नौकरियां बांटी, संविदा की कार्यवाही अलग चल रही है। के तहत आप फिर से एक बार पता करके इस प्रतिष्ठित चैनल पर आउटसोर्सिंग के तहत मैसेज डाली है आप। देखिए अश्वनी जी, 6.5 लाख नौकरियां नहीं है, हम सच्चाई बता रहे हैं और हमें सच्चाई बताने में कोई गम नहीं है, क्या मतलब सच्चाई बता रहे हैं, आउटसोर्सिंग पर हो रही है, संविदा पे हो रही है और किस कदर हो रही है, प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। ठीक है अश्वनी शाही जी, आप फिलहाल आरक्षण पे बात करिए। नहीं 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 कीर्ति जी, आप सम्मानजनक चैनल पर बैठी है, 6.5 लाख नौकरियां सरकारी नौकरियां दी गई है, कोई संविदा पर नहीं है। इसमें पुलिस की नौकरी संविदा पर है, अस्पतालों की नौकरियां संविदा पर है, शिक्षा विभाग में संविदा पर भर्ती हुए बताइए आप कहां है, आप अपने रिपोर्टर का भेज कर रिपोर्ट बनाइए, मैं फिर से बहस में बैठने के लिए तैयार हूं आपके साथ। अश्वनी शाही जी नहीं कह सकती, हॉस्पिटल संविदा पर है, हॉस्पिटल तक में संविदा पे है, आउटसोर्सिंग पर चले गए हैं, लोगों को नौकरियां किस कदर पड़ रही है, उसकी नौकरियां जो हम लोगों ने बांटी, नहीं सुन लीजिए अभी हमारे माननीय, ठीक है आप आरक्षण की बात कर रहे हैं अश्वनी शाही जी, एक सेकंड मुख्यमंत्री जी, ठीक है आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमने इन गाँव के लड़कों को नौकरियां दी है और वो संविदा पर नहीं थी, पुलिस की नौकरियां दी है उन्होंने, पुलिस की नौकरी बता दीजिए कहां पर संविदा पर है, उन्नत ठीक है अश्वनी शाही जी, विपक्ष को भ्रम फैलाने दीजिए, आप लोग भ्रम मत फैलाइए। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर आरक्षण में लेकर ही आज भी विद्यार्थी किस कदर दर दर भटक रहे हैं आपके सामने ही है, वो भटक रहे हैं, लेकिन आज जो नौकरी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर विरोध हो रहा है, हमने दिया और इस आरक्षण में आप और जातियों को शामिल करने की बात कर रहे हैं कि संविदा पर हमने दिया है, संविदा का अलग है, और आज आप इस चीज को विपक्ष को भ्रम फैलाने दीजिए। कीर्ति जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप भ्रामक स्थिति ना पैदा करें। मैं कोई भ्रामक स्थिति नहीं पैदा कर रही हूं अश्वनी शाही जी, मैं कोई भ्रामक स्थिति नहीं पैदा कर रही हूं, माफ कीजिएगा, आप भ्रम ना फैला करें। संविदा पे नौकरियां दी जा रही है, आउटसोर्सिंग पे नौकरियां दी जा रही है, ये रियलिटी है, मैं कह रहा हूं नहीं दी जा रही है, संविदा की नौकरी नौकरी नहीं होती है, बिल्कुल होती है, नौकरी अगर कर रही है प्राइवेट हाथों में, 1 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, आपको रोजगार मिला है, आप अपने रोजगार की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं, आपको अगर इस चैनल ने नौकरी दिया है तो आप यहाँ पर नौकरी कर रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरी कर रही हैं और चाहे आप संविदा पर कर रही हैं, लोगों को मिला है, आप रोजगार की बात कीजिए, क्या संविदा की नौकरी नौकरी नहीं है, उसका परिवार उस पैसे से खाना नहीं खाता है। ठीक है अश्वनी शाही जी, थैंक यू। हमवाम वही आप, आपको क्या लगता है जिस तरह से ओबीसी आरक्षण में शामिल करने का राज्यों को अधिकार दिया गया है, जातियों को शामिल करने का, ये चुनाव के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, या आपको लगता है कि हितैषी हो गई है पार्टी, इस वजह से पिछड़ा वर्ग को बहुत ज्यादा हितैषी हो गई उनकी, इस वजह से ये फैसला लिया गया, साथ ही साथ क्या जो 50% की कैप है उसको और बढ़ाया जाएगा? कीर्ति जी बिल्कुल मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस बिल के जो 137वां अमेंडमेंट संशोधन एक्ट आया है इस विधेयक का समर्थन कर रही है पूरी तरीके से। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही हितैषी है, अभी बार बार बात कही जा रही थी कि इन लोगों ने जो 69,000 वैकेंसी शिक्षक भर्ती किया है उसमें से 22,000 उनके रिजर्वेशन के हिसाब से उनको 22,000 नौकरी मिलना चाहिए थे, लेकिन मात्र 3,000 नौकरी मिली है उन लोगों को और 18,000 वैकेंसियां उनकी खा गई, ये सरकार की स्थिति है। फिर भी चूंकि ये रिजर्वेशन ओबीसी के लिए आया था इसलिए कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन कर रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब नजदीक आता है, जैसा कि आपने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जब चुनाव आता है
पहले आपने अधिकार छीना, फिर अधिकार देने की बात कर रही। ये तो ठीक उस प्रकार है जैसे खाली बर्तन है, राज्य को सूची बनाने का अधिकार दिया गया है, राज्य सूची बना के क्या करेगा, राज्य सूची बना के क्या करेगा, क्योंकि जितनी जातियां पहले से उनको नौकरी मिल नहीं पा रही, उसमें और लोगों को भर दिया जाएगा। तो जो बिल है उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी उस खामियों को सामने लाएगी। लेकिन आप एक तो चुपचाप मौन रख के नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की मांग है, कांग्रेस पार्टी ने मांग किया है, होता रहा बाहर तक आप लोग इतना कांग्रेस पार्टी, ये रिजर्वेशन बिल थी ओबीसी के समर्थन के लिए, उनके कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से हमेशा से उसकी जो पॉलिसी है वो क्लियर है, हम ओबीसी के साथ, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए पूर्ण रूप से उनके साथ है, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन कर रही। लेकिन जो 50% का कैप है उसमें इस बिल में एक लाइन भी नहीं लिखा गया है, उस लाइन को जोड़ने की कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। और दूसरी बात, राज्यों को अधिकार की बात हो रही है, राज्यों का जो जीएसटी बकाया है केंद्र सरकार पहले उसको दे दे, केंद्र सरकार को पहले ये देखना चाहिए जो राज्य सरकार का बकाया है उसका भुगतान होना चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नौकरी की भी बात कही जा रही है, जो नौकरियां दी गई उनमें क्या पैमाना लाया गया है, किस तरीके से उनका पूरा हक मिला है कि नहीं, सवाल इस पे भी होना चाहिए कि। बिल्कुल सवाल तो होगा। दिलीप जी, आप आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, जो ये नया आरक्षण बिल आया और इसमें जिस तरह से कहा गया है कि अब राज्यों के पास अधिकार होगा कि वो जातियों को शामिल कर सकते हैं, 39 जातियों की लिस्ट ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में तैयार है, तो जो 27% आरक्षण है उसमें अगर इन 39 जातियों को जोड़ा जाएगा तो समाज का जो ताना बाना है वो बुरी तरह से बिगड़ेगा, हालात किस तरह से पैदा होंगे, क्या स्थिति आप देख रहे हैं और क्या ये सही है? कीर्ति जी, पुरानी कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, ये सुनी होगी आपने भी, सुनी होगी और जो पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने भी सुनी होगी, यही कहावत इस ओबीसी रिजर्वेशन पर लागू होती है। आप देखिए, जब सत्र चल रहा था तो वहां पर विपक्षियों ने सारी बातों पर खूब हंगामा किया, लेकिन जब ओबीसी रिजर्वेशन का बिल पास हुआ और राज्यों को अधिकार दिए गए कि ओबीसी की लिस्ट खुद से निर्धारित कर सकते हैं, उस पर एक भी अपोजिशन नहीं हुआ, बल्कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो जो उस बिल में कमियां हैं उस पर हम उजागर करके बहस करेंगे। मतलब रिजर्वेशन को एक कमी नहीं मानते हैं, इस देश के दीमक को एक कमी नहीं मानते हैं, क्योंकि ये दीमक इन्हीं का लगाया हुआ है। दूसरा, मैं साहिद जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, साहिद साहब मेरी बातों का जवाब दीजिएगा, कि आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना रखा है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड बना रखा है, और इन दोनों कमीशन को आपने संवैधानिक दर्जा दे रखा है। मुझे ये बताइए कि ये ओबीसी और माइनॉरिटी कैसे परिभाषित होते हैं और किस कानून में परिभाषित हैं? मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए होगा, आपकी जब बारी आए तो बताइएगा कि ओबीसी और माइनॉरिटी आपने किस कानून में परिभाषित किया है और क्या पैरामीटर से इसको डिसाइड करने के कि ये ओबीसी में जाएंगे और ये माइनॉरिटी में जाएंगे। मजाक बना रखा है इस देश का, इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने हमारा मजाक बना रखा है, और सारी पावर जो जनता इनको चुन के संसद तक पहुंचाती है उस जनता को उल्लू बनाते हैं ये लोग, उस जनता का को बेवकूफ बनाते हैं, कभी ये टुकड़ा फेंक के कभी वो टुकड़ा फेंक के। और इस समय जो संवैधानिक संशोधन किया गया है जो इसमें ओबीसी लिस्ट बनाने की पावर्स दोबारा से राज्यों को दे दी गई है, ये सिर्फ इसलिए दी गई है कि 2022 में चुनाव उत्तर प्रदेश में है जी। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति इस बार खराब है और वो स्थिति संभलने वाली नहीं है, और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है, ये सबको पता है। पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उन सब में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का होता है, ये राजनीतिक लोग जितने भी हैं वो जानते हैं, या कह लीजिए बच्चा बच्चा जानता है। और 2022 के मद्देनजर ये सबूफा छोड़ा गया है और जो 39 नई जातियों को ओबीसी में इनलिस्ट किया गया है उसमें स्पेशली मैं कायस्थों को ओबीसी में इनलिस्ट करने का विरोध करता हूं। इन्होंने कौन से पैरामीटर्स पे ये कहा है कि कायस्थ बैकवर्ड क्लास है, ये शाही जी बताएं मुझको कि कौन से पैरामीटर पे कहा है कि कायस्थ बैकवर्ड है, कैसे इनलिस्ट किया इन्होंने कायस्थों को बैकवर्ड में, कायस्थों को बैकवर्ड करने का अधिकार कहां से मिला कि किस पैरामीटर पर आप नापेंगे कि इस ओबीसी लिस्ट में कौन सी जातियां शामिल होनी चाहिए और कौन सी नहीं? देखिए, अभी ये पैरामीटर तो सरकार तय करेगी दिलीप जी, और आपने अभी कायस्थों के बारे में कहा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू कायस्थ और मुस्लिम कायस्थ,
उसमें लिखा हुआ है, वो सारी जो लिस्ट। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कायस्थों को किस पैरामीटर पे आपने बताया है। मैं हिंदू कायस्थों की बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम कायस्थों को नहीं जानता। मैं हिंदू कायस्थों की बात कर रहा हूँ कि आपने हिंदू कायस्थों को बैकवर्ड कैसे कहा। दिलीप जी, जी अश्वरी शाही जी जवाब दीजिए। दिलीप जी, अब वो सरकार जो है राजपूत कहीं आरक्षण की मांग कभी आपने सुना पूरे देश में कहीं किया? नहीं किया, लेकिन राजस्थान में उसकी भी मांग उठी थी, तो मांग तो उठती रहती है। तो अब सरकारों का पैरामीटर तय होता है, और आपने जो सवाल पूछा ओबीसी और अल्पसंख्यक का, तो स्पष्ट कर दूं कि 27% में ही 4.5% अल्पसंख्यक को दिया जाता है। मैंने ये सवाल नहीं किया शाही जी, शाही भाई, मैंने ये सवाल नहीं किया। मेरा सवाल सुनिए दोबारा से, मेरा दोबारा से सवाल सुनिए कि माइनॉरिटी कौन होगा, ओबीसी कौन होगा, ये कौन से कानून में परिभाषित है, या इसका कौन सा सरकारी गाइडलाइन है, मुझे वो बता दीजिए। अब देखिए, सरकारी गाइडलाइन बताते हैं तो सरकारें 56 साल से चल रही हैं, जो आज मेजॉरिटी में है उनको माइनॉरिटी में रखा गया है, मुस्लिम इस देश की मेजॉरिटी में उनको माइनॉरिटी में रखा गया है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ अश्वनी शाही जी, यही तो डिसाइड होगा ना कि अब आपने ये बिल तो ले आए हैं। शाही साहब, अगर ये गलत है तो भाजपा तो गलत को सही करने के लिए माहिर है ना। कांग्रेस ने तो इस देश में दीमक फैलाया है, और आप इस देश के हर दीमक को साफ कर रहे हैं, कांग्रेस को इस देश से साफ कर रहा है, तो ये रिजर्वेशन का दीमक क्यों छोड़ दिया आपने? रिजर्वेशन सही है आपकी नजर में? सही है, क्योंकि इससे आपको भी वोट मिल रहा है। रिजर्वेशन वोट बैंक की राजनीति है, भले इसका वो बीज कांग्रेस ने बोया, कांग्रेस की ये बुराई आपको नहीं दिख रही है, क्योंकि इस बुराई से आपको भी फायदा हो रहा है। दिलीप भाई थोड़ा सुन लीजिए, रिजर्वेशन किसी ने दिया किसने नहीं दिया, मंडल कमंडल देश में हम लोगों ने 89 के तरफ से झेला है, देखा है। आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरी समझ में, आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी गंदगी साफ कर रही, तो हाँ हम गंदगी साफ कर रहे हैं। एक विधान एक निशान हम लागू करके रखेंगे, 370 हमने खत्म किया। आज झंडा फहराने का हक सबको है, वहां पर एक झंडा वहां है, एक ध्वज है, तो ये गंदगी हम साफ कर रहे हैं। और आज आपने कहा हमने क्या किया, सीए हम ले आ रहे हैं, विरोध यही विरोधी दल के लोग करते हैं, तो ये गंदगी भी अब साफ करेंगे कि जो रिजर्वेशन पे बताइए, रिजर्वेशन पे बाकी को आप लाए तो मैं भी तारीफ करता हूँ। मैं खुद ही कह रहा हूँ 370 बहुत बढ़िया, सीए एनआरसी बहुत बढ़िया, राम मंदिर का झगड़ा खत्म बहुत बढ़िया, मैं तारीफ करता हूँ इस बात की। रिजर्वेशन बताइए, रिजर्वेशन आपकी नजर में गंदगी नहीं है? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो गंदगी है कि अल्पसंख्यक को हमको साफ करना है, ये भी हम साफ करके रहेंगे। और हिंदुस्तान में जो देखिए, इतना जल्दी नहीं होता है कि 56 साल में गंदगी फैलाई गई और 7 साल में आप साफ कर देंगे, उसको पता चल जाएगा। लगता है अश्वरी शाही जी, जातीय जनगणना करा लीजिए ना। 370 रिजर्वेशन से ज्यादा पुराना था, 370 रिजर्वेशन से ज्यादा पुराना मामला है, जिसको आपने झटके में खत्म कर दिया। माइनॉरिटी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ। बैकवर्ड क्लासेस को अगर मदद मिल रही है, आप क्यों पाल रहे हैं इस देश में, आप ही क्यों पाल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट इसलिए नहीं किया था कि आप उस गंदगी को आगे बढ़ाएं और उस गंदगी में एडिशन कर दें, ठीक है, नई जातियों को ले आए उसमें। सुनिए, अच्छे खासे सवट बैठे हैं, कायस्थों को आप कहते कि बैकवर्ड क्लास हो गया, सरकार की मर्जी है जातीय जनगणना कराएंगे नहीं, तो ओबीसी के लिस्ट में इस वक्त कौन सी जातियां शामिल होंगी? ठीक है दिलीप जी, हम जवाब ले लेते हैं। दिलीप भाई, कैसे डिसाइड होगा जी? भाई आप एक राजनीतिक जो है विश्लेषक हैं, थोड़ा मतलब किसी दल के तरह आप हमसे जीरा ना करिए, आप हमको थोड़ा। मैं दल पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजर्वेशन पर बात कर रहा हूँ, और कायस्थों को क्यों ओबीसी में शामिल किया इस पर पूछ रहा हूँ आपसे। पैरामीटर बताइए मुझे, आपको किसने हक दे दिया कि आप कायस्थों को ओबीसी कह दें? आप सुनेंगे नहीं तो हम कैसे बोलेंगे? आप, मैं बोलना चाह रहा हूं बार बार, आप सुन, कैसे किया, क्या किया, ये पैरामीटर्स अगर कायस्थ लोगों को नहीं होना है तो एक प्रतिनिधि मंडल कायस्थों का बनाइए और आयोग को दीजिए कि भाई हम नहीं जाना चाहते ओबीसी में, बाहर हो जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं कि कायस्थों का भाई, मैं आपसे आप जवाब दे लेने दीजिए, मैंने आपकी बात
आप मुझे जवाब दे ले दीजिए। देखिए, देश जो है समानता का अधिकार की बात हम करते हैं, इतिहास में दलितों का भी उतना ही स्थान रहा है जितना अन्य लोगों का रहा है, उनको क्या समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? पिछड़ी जातियों को क्या समानता का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? और पिछड़ी जातियों में जिसको शामिल करती है सरकार, जो दबे कुचले लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं, उसमें पिछड़ी जाति में शामिल उनको करना है। तो सबको अगर समानता का अधिकार सरकार देने का काम कर रही है तो इसमें विरोध कहां से आ रहा है? अगर जिसको उसमें नहीं जाना, जैसे आपने एक सिर्फ कायस्थों की बात की, मानता हूं आपका हो सकता है दर्द हो कि कायस्थ अपने आप को भाई अगड़ी जाति में सोचते हैं और हम लोग कहते भी हैं वो ओबीसी में कैसे जाएंगी, तो ये तो प्रतिनिधिमंडल जाना चाहिए और सबको सरकार से अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए कि हम लोग आरक्षण के लिए नहीं बने हैं। समानता की बात हो रही होती तो आरक्षण आता ही नहीं, आरक्षण का मुद्दा ही नहीं उठता, ये बातें हो ही नहीं रही होती अगर आप समानता की बात कर रहे होते और ये लगातार शुरुआत से समानता बनाकर चले आ रहे होते। हालांकि प्रश्न ये उठ रहा है कि जिस तरह से आप आरक्षण में जो 27% आरक्षण है जिसमें पहले से ही पिछड़ा वर्ग उपेक्षित परेशान है, उसके बाद अब और अन्य जातियों को उसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इससे किस तरह से जो समाज का ताना बाना है वो किस हद तक बिगड़ेगा, विवाद की स्थिति पैदा होगी? कीर्ति जी, ये अंतहीन सवाल है और अंतहीन एपिसोड है इसका, और आज से नहीं, मैंने पहले कहा मंडल कमीशन का नाम और सब कुछ पहले जब से आया है हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज 30-40 साल हो गए इस चर्चा को करते हुए। जो दल आज जो है, कोई भी सरकार आती है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह लग रहा है कि ये उपेक्षित है। जैसा आपने अभी उपेक्षा की बात की, समानता कैसे मिल रही थी? समानता नहीं मिल रही थी, दलितों को पिछड़ों को समानता नहीं मिल रही थी, तब जाकर सरकारों ने उनको लागू किया कि आज इनको रिजर्व करके हम समान बनाएं, क्योंकि इतिहास में कई जगह यह पाया गया है कि इनको काफी, इनके साथ जो समानता का अधिकार कभी नहीं बरता गया। पिछले 60 सालों में सरकार जो रही, 56 सालों में उन्होंने भी उनके साथ असमानता का व्यवहार किया। अब जाकर धीरे धीरे बहुत सी विसंगतियां दूर हुई हैं और आने वाले दिनों में अगर हम किसी का उद्धार कर रहे हैं तो दिलीप जी हंस रहे हैं, कायस्थों को नहीं होना, मैं मानता हूं आपका दर्द, आप लोग कायस्थ लोग जाइए, लेकिन बाकी लोगों को तो लाभ ले लीजिए। मैं आपकी बात पे हंस रहा हूं कि 60 साल के रिजर्वेशन ने पिछड़ों को आगे नहीं किया, भाजपा के रिजर्वेशन ने वो आगे कर दिया। मतलब रिजर्वेशन में भी फर्क है, क्या फर्क है भाई, जरा ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं इस बात पर हंस रहा हूँ कि आपने ये 60 साल में उनका भला नहीं हुआ और आपने 5-7 साल में आकर उनका भला कर दिया। मतलब आपका रिजर्वेशन अलग है, कांग्रेस का रिजर्वेशन अलग था, आपने रिजर्वेशन में कुछ अलग से दे दिया उनको। अरे साहिब साहब ये सब जानते हैं, बच्चा जानता है। और कल आपके प्रवक्ता ने चैनल पे बैठ के कहा था कि ये वोट बैंक की राजनीति है। आप लोगों का जो अधिकार की बात आप कर रहे हैं, आपने कश्मीर पर क्यों नहीं किया, आपको वहां भी करना चाहिए था। ठीक है जी, हमाम वही जी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से आरक्षण की बात आई और उस मुद्दे को लेकर आप लोग ने एक साथ समर्थन दे दिया, अभी आप कह रहे हैं कि उसमें बदलाव होने चाहिए, तो वो बदलाव की स्थिति क्यों नहीं? लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा में जाएगा, हालांकि ये मानिए कि पास हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जो जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, उस बिल का आप समर्थन कर रहे थे, लगातार आप उस बिल को लाने की बात कर रहे थे, और अब जब बीजेपी ला रही है तो आपको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि ओबीसी का वोट बैंक छिटके। हमें कोई डर नहीं समा रहा है, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से बैकवर्ड के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए जो भी कदम उठाने पड़े उसे किया गया। अभी बार बार बात चल रही थी समानता को मद्देनजर रखते हुए सरकारें जब आती है और संसद, कुछ जातियां कुछ लोग पिछड़ चुके हैं उनको लाने के लिए बड़ी लंबी चर्चा हुई है, उसके बाद कमीशन कायम हुआ, उसके बाद सरकार में या संसद में कोई कानून बनाया गया, इसलिए बार बार दिलीप जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की गंदगी। हाँ, कांग्रेस ने बैकवर्ड के लिए और जो पिछड़ गए लोग थे, क्या 1947 में सब लोग, पूरा देश एक समान था? चाहे किसी भी लेवल में आप देखिए, एजुकेशन में हो या फाइनेंस में हो किसी में, तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत लंबी चर्चा हुई है, बड़ी बड़ी कमेटियां का गठन हुआ था, उसके बाद चर्चा के बाद सदन जो है, लोकतांत्रिक प्रणाली में कोई भी चीज होती है जनता की आवाज, पूरा देश एकमत नहीं होता लेकिन देश का एक तबका, उसकी मांग होती है। और अगर आप इसको कांग्रेस की गंदगी बोलते हैं तो ये आपकी बात है, लेकिन कांग्रेस कोई भी कदम जो ओबीसी के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, या किसी भी जो लोग पिछड़े हैं उनको समान धारा में,
मेन धारण में मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी। इसी वजह से संसद में जो बिल लाई गई केंद्र सरकार द्वारा उसका समर्थन कांग्रेस ने किया, लेकिन कांग्रेस के नेता मनोज सिंघवी जी ने दोनों बात वहां पे उठाया। पहली बात जो 50% की बात है वो वहां पे उस बिल में शामिल नहीं, एक लाइन भी लिखा नहीं हुआ। दूसरी बात प्राइवेट में, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू होने की कांग्रेस ने मांग किया है। अब हम बार बार कर रहे हैं कि जो माला पहनने की फिराक में भारतीय जनता पार्टी है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है, दरअसल ये तो उन लोगों ने राज्यों का अधिकार छीना था। और राज्यों का के अधिकार की बात जब होगी तो मैं तो कहना चाहूंगा उनके जीएसटी का पैसा वापस किया जाए। आपने राज्यों का अधिकार छीनने के बाद उसी तरीके से एक सैनी सजा के आपने पेश किया है कि आपको सूची बनाने का अधिकार है, लेकिन उसके बाद धरातल पे वो कितना उतरेगी और कितना नौकरी में आरक्षण मिलेगा, बहुत सारी चीजें लेकर अब आप प्राइवेट में भी इस चीज को लाना चाहते हैं। पहले दिन से कि दायरा और बढ़ा दिया जाए, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से प्राइवेट के लोग, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग कर रही है। हमारी मांगे हैं, मतलब ये अभी काम था कि सरकारी नौकरियों में खाली आरक्षण था, ये तो देश तय करेगा, देश की संसद करेगी, कोई जो कमीशन होते हैं वो तय करेगी। लगता है कि उत्थान होगा पिछड़ा वर्ग का, हालांकि हम पक्ष में हैं, ठीक है, ये, अगर पिछड़ी जातियों का जो वाकई ही उपेक्षित है, जो वाकई ही परेशान है, उनका अगर भला हो रहा है तो होना चाहिए, लेकिन क्या भावना की बात है। अभी दिलीप जी कह रहे हैं कि कायस को जबरदस्ती रखा गया, मुझे तो नहीं लगता है। देश की मांग है कि राजनीति की मांग है, देश संसद जो भी कानून सरकार बनाती है वो लोगों की अपेक्षा, लोगों के मन मुताबिक बनाई जाती है। कानून ही तो बताइए, अरे प्रवक्ता महोदय कानून बताइए ना, कौन सा कानून है, लोग माइनॉरिटी का कौन सा कानून है, ओबीसी का कौन सा कानून है, बताइए आप बताइए। आप जो कह रहे हैं दिलीप घोष जी कि जबरदस्ती रखा गया, ये जबरदस्ती कोई नहीं रखा जाता। अगर आपको जबरदस्ती किसी में शामिल किया जा रहा है, किसी भी जाति को बैकवर्ड में शामिल किया जा रहा है, ओबीसी और बैकवर्ड को कहां परिभाषित किया, जबरदस्ती नहीं शामिल किया जा सकता, वो अपनी मांग सरकार से लेके उससे बाहर कर दिया जाए। दिलीप जी देखिए, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो दे दिया जा रहा है, इसमें कानून किसी को नहीं पता है, ये कर रहे हैं सवाल का जवाब, कागजी कानून है दिलीप जी, इन लोगों के लिए कागजी एक फरमान है जिसे जारी कर दिया गया है, उसके जरिए वोट बैंक मिल जाएगा जिससे 2022 में सत्ता में शामिल हो जाए, क्योंकि डर सता रहा है कि ओबीसी का वोट बैंक छिटक ना जाए, तो इसको लेकर ये एक कागजी कानून है इनके लिए, दिलीप जी आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अश्वनी शाही जी मैं आप पर आना चाहूंगी, हालांकि आप ओबीसी पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हो, उपेक्षित लोगों को इसमें बिल में शामिल करने के लिए, उनके समानता दिलाने की बात हो रही है, आगे बढ़ाने की बात हो रही है, बिल्कुल हम आपके चीज के सपोर्ट में हैं, लेकिन उसको लेकर आप एक नया इसके लिए कैप निर्धारित करिए, नया कोटा लेके आइए, जो पुराना कोटा है 27% का उसी में क्यों शामिल कर रहे हैं, उन्हीं में सबको क्यों शामिल कर रहे हैं जो पहले से ही जातियां ओबीसी इसमें शामिल है। अश्वनी शाही जी, जी मैं आवाज आ रही है जी, संवैधानिक मजबूरियां 50% से ऊपर वालों में आपने कई बार पूछा, इस चीज को मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करता है कि 50% से ऊपर ना आ जाए, तो एक उसको अभी हम लोग लागू करते हुए ये देखते हुए लागू करेंगे कि किसको कहां समाहित करता है, यही दर्द, ये दर्द अगर है तो मान किसी भी दल के नेता को अगर दर्द है कि उसी में भीड़ बढ़ा रहे हैं जैसे अखिलेश जी ने कहा, तो माने सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए उसको कि भाई आपने 50% जो रोक रखा उसको फ्री छोड़ दीजिए, हम 100% का रिजर्वेशन ले लेते हैं। अश्वनी शाही जी यही तो सवाल हो रहा है कि क्या अब फिर से ये मांग केंद्र के पास जाएगी और केंद्र फिर से सुप्रीम कोर्ट के इस रूल को ओवर रूल करने की कोशिश करेगा, तो संविधान में संशोधन की बात होगी, उसके बाद ये रूल ओवर रूल करने की क्या प्रयास किया जाएगा कि जो 50% की कैप है इसका दायरा बढ़ाया जाए। देखिए ये ओवर रूल करने की और उसकी बात नहीं है, आज जो सारी चीजें जो है अगर सरकार उसको लेकर आई है और उसमें डाल ले तो जिसको कष्ट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर प्रेयर करे ना कि सरकार आपने जो है 50% का जो कैप लगाया उसको हटाइए, उसको फ्री छोड़िए, तो लोग आगे बढ़े, नहीं तो हमारे घर में भीड़ हो रही है, वो तो हमारा अधिकार है, हम उस पे काबिज है, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। विरोध के स्वर और मुखर होंगे और आप ये चाहते हैं कि अब ये आप पूरी चीजें सुप्रीम कोर्ट पर डाल देना चाहते हैं कि विरोध के स्वर मुखर हो और वो जाके मांग करे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि 50% की जो कैप है इसको हटा दिया जाए। पहले आज क्यों ये विरोधी दल के लोग जो बयान दे रहे हैं हमारे घर में और भीड़ ले आएगी,
जी जी कृति जी, सवाल पूरा कर लें। केंद्र सरकार ने पहले ये किया कि हमसे ये संभल नहीं रही है, ये चुनौती इसलिए राज्यों पर डाल देते हैं कि राज्य सरकारें अपने अनुसार इसमें जातियां को शामिल कर लेगी, जो जाति उनके अनुसार सही होगी, जिसकी 39 जातियों की लिस्ट ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में तैयार है। पहले से जातियां इंक्लूडेड है ओबीसी की लिस्ट में, उसके बाद 39 और जोड़ देंगे, 27% की जो आरक्षण है उसमें आप और जातियों को जोड़ेंगे, 50% की कैप भी नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जो जातियां उसमें शामिल होंगी वो जाके अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे। आपने मेरी बातों को सुना नहीं ध्यान से, थोड़ा सा कृपया निवेदन है कि आप हमारी बातों को सुने, क्योंकि आप बीच में सवाल कर दे रहे थे इसलिए आप सुन नहीं पा रही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कीर्ति जी कि विरोधी दल के जो नेता या जिनको भी ये दर्द है, विरोधी दल के नेताओं द्वारा, अभी किसी के द्वारा नहीं आया विरोधी दल के नेताओं का बयान, आपने, मैंने अखिलेश यादव का नाम कोट किया है दो बार, आपने उसको नहीं सुना। मैंने कहा कि उन्होंने अगर ये कहा कि हमारे घर में और लोगों को भर दिया जा रहा है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहें, जाकर वहां अपील करें कि भाई 50% का कैप आप हटाइए और इनको आगे जाने दीजिए, नहीं तो। और दूसरी चीज, कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है जो आप अभी कह रही हैं कि सरकार ने कहा कि हमसे नहीं संभल रहा है राज्यों के पास जाए, इसका कोई नोटिफिकेशन अगर आया हो तो मुझे भी एक कॉपी भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा कि केंद्र सरकार ने क्या कहा है। मैं टोकरी माफ कीजिएगा, लेकिन 1993 से 2018 तक जो रूल चला आ रहा था, केंद्र राज्यों के पास ये अधिकार था, उसको केंद्र ने लिया, उसके बाद फिर केंद्र ने यही अधिकार राज्यों को वापस कर दिया है, तो क्या है ये, कितनी बड़ी क्रांति आप लोग ले आए हैं चुनाव से पहले, और अब आप कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जाके इसको सुप्रीम कोर्ट में जाए। उपेक्षित तो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो उपेक्षित है, उनके घर में आप और लोगों को शामिल करने जा रहे हैं, तो जिनके घर पहले से हैं उनको आप और शामिल करेंगे या उनके घर से पहले बेदखल करेंगे उसके बाद नई जातियों को आप उसमें लेकर आएंगे, मैं आपसे ये सीधा पूछ रही हूँ, या उस 27% के आप दायरे में ही सबको शामिल करेंगे? सवाल बहुत लंबा हो जाता है आपका, थोड़ा छोटा सवाल रहेगा तो जवाब देना आसान होगा। ठीक है शाही जी, मैं सिर्फ आपसे ये बहुत ही आसान शब्दों में पूछ रही हूँ, क्या आप 27% का दायरा बढ़ाएंगे या उसी 27% में जो ओबीसी की पहले जातियां थी उसी में और 39 जातियों को शामिल करने का विचार कर रहे हैं? कीर्ति जी जी, मैंने आपके सवाल को पहले भी समझ लिया, आप इतना लंबा सवाल पूछेंगी तो उसमें दिग्भ्रमित होने की आशंका होगी। मैं बार फिर से दोहरा रहा हूँ आपको कि मैं ये कह रहा हूं कि जो आप बार बार इस चीज को कहलवाना चाह रहे हैं, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मैं अभी भी खुले रूप से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा अंत तक, किसी को अगर दर्द है किसी विपक्षी दल के नेता को कि हमारे घर में भीड़ हो रहा है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और उससे कहे कि 50% का कैप हटा लीजिए, क्योंकि उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का कैप लगा हुआ है। दूसरी बात मैं आना चाहूंगा, आपने कहा कि सरकार से संभल नहीं रहा है 18 में, ये कहीं कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और आपने अभी दोबारा इस चीज को कहा है कि आपने क्यों हटा दिया और कौन सी क्रांति ला दी, तो भाई क्रांति तो हमने लाए, हम लोग लाए हैं, 370 हटा के क्रांति लाए, सीएए का क्रांति लाए, राम मंदिर का हम लोगों ने आंदोलन चलाया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये भी क्रांति है हमारी, हम लोगों ने क्रांति ही लिखा है 7 साल में। आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपको बार बार मैं सवाल इसीलिए रिपीट कर रही थी क्योंकि शायद आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे या मैं समझा नहीं पा रही हूँ। मैं समझ गया हूँ आपके सवाल को, मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष को क्यों बोल रहे हैं न्यायपालिका में बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे आंदोलन हम लोग करके सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर का ऑर्डर हुआ। महोदय जो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका के ऊपर होती है, इसलिए जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का है वो। वो कांग्रेसी क्यों बोलते हैं जी, उनके लिए तो राम काल्पनिक है, कल्पना में रहिए, कल्पना लोक में सोनिया जी भी है, आप भी रहिए, वो उसकी बात नहीं है। लेकिन आज जो है कीर्ति जी, ये एक ओबीसी को जो हम आरक्षण देने जा रहे हैं हमने किया है, वो उसमें शामिल करके हमने उन वंचित जातियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस समर्थन कर रही है, आपने उसमें कुछ नया नहीं किया है, राज्य सरकार। अरे कांग्रेस ने, कांग्रेस तो किसान आंदोलन का भी समर्थन कर रही थी तो चर्चा क्यों नहीं कर लिया, महंगाई का भी विरोध कर रही थी तो चर्चा क्यों नहीं कर लिया। अरे कांग्रेस पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है, किसानों के आंदोलन के साथ है, वहां पर आ रहे हैं। आप अगर देश की किसानी खेती किसानी को अंबानी अडानी के हवाले करना चाहेंगे तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी, कांग्रेस किसानों के आंदोलन के साथ रहेगी। रॉबर्ट वाड्रा जी को दे रहे हैं, उनसे कराइए ना, देश के सबसे बड़े किसान से कराइए, अडानी अंबानी से क्या मतलब है भाई? अडानी जी का स्टोर किस लिए बन रहा था? जो है वाड्रा जी है उनसे किसानी कराइए, उनसे बड़ा कौन किसान है भाई?
अश्वनी शाही जी और अमाम वही जी, मैं आपको टोकना चाह रही हूँ। दिलीप जी, आपको क्या लगता है, जो मैं सवाल बार बार अश्वनी शाही जी से कर रही थी, शायद तक वो समझ नहीं पा रहे थे या वो बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि विपक्ष को अगर लगता है कि घरों में उनके एक ही कमरे में और लोगों को भरा जा रहा है तो उन्हें दिक्कत हो रही है, तो 50% के कैप को बढ़ाए। लेकिन असल दिक्कत तो जहां पर ये लोग पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, जिनके हितैषी बन रहे हैं ओबीसी की, उनको होने वाली है, उपवाद की स्थिति पैदा होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जातियों पे केंद्रित हैं, व्यक्तियों पे केंद्रित नहीं है। जातियां गरीब नहीं है, आदमी गरीब है। आज एससी एसटी ओबीसी में बहुत सारे ऐसे जो बड़े संपन्न हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं। आप ये बात कहते हैं कि आप समानता का अधिकार दिलाने की बात करते हैं, इसलिए आप रिजर्वेशन उन्होंने कांग्रेस ने लगाया, उसका श्रेय कांग्रेस के प्रवक्ता ले रहे हैं, इन्होंने बढ़ाया इसका श्रेय ये ले रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि हम समानता लाने की बात कर रहे हैं। एक एससी एसटी ओबीसी करोड़पति बन के बैठा है, आईएएस आईपीएस वो बड़ा अधिकारी बन के बैठा है, एक के घर में खाने को रोटी नहीं है, तो ये कहां से समानता हो गई? आप आदमी का उत्थान करना चाहते हैं, आदमी को खाना खिलाना चाहते हैं, जाति को पानी पिलाना चाहते हैं? आप जाति को पानी इसलिए पिलाना चाहते हैं कि जाति के नाम पर वोट मिल जाएगा, आदमी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आदमी का भला करेंगे तो वो आदमी वोट दे देगा, जाति का प्रोपगंडा करेंगे, ढोल पीटेंगे तो पूरी जाति इसी गफलत में कि शायद हम लाभान्वित हो जाएं, शायद हम लाभान्वित हो जाएं, हर आदमी इसी भरोसे कि शायद वो लाभ हमको मिल जाए आपको वोट दे देता है। यहां तो पब्लिक की भी गलती है ना, इतने सालों में 60-70-72-80 सालों में आज तक तो उद्धार ना हो पाया और आने वाले 100-500 सालों तक भी नहीं होगा रिजर्वेशन का, क्योंकि आपका ध्यान गरीबी हटाने पर नहीं है, आपका ध्यान आदमी के डेवलपमेंट पे नहीं है, आपको आदमी को मुख्य धारा से नहीं जोड़ना है, आपको देश का डेवलपमेंट नहीं कराना है, आपको जातियों पे केंद्रित करना है, क्योंकि जातियों से आपको वोट लेना है। समानता की बात करते हैं तो आज गरीब हर वर्ग में है, हर वर्ग में है, मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठाकुर हो, पंडित हो, कायस्थ हो, चमार हो, पासी हो, कोई हो, यादव हो, राजपूत हो, जितनी जातियां इस देश के अंदर हैं, हर जाति में गरीब और अमीर दोनों तबका है। आप गरीब तबके को ऊपर उठा के लाइए तो मैं मान जाऊं कि आप समानता की बात करते हैं। आप उन जातियों को, कल भाजपा के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि हमने ओबीसी को उठा करके अपने एमपी एमएलए बनाया, तो मैंने उनसे सवाल पूछा, साहिब जी आपसे भी पूछ रहा हूं कि जिसको आपने एमपी एमएलए बना दिया वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैसे रह गया? आप कैसे कह सकते हैं कि एमपी भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको अभी भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? आपने आप जिसको ऊपर उठा लेते हैं उसको हटा दीजिए तब तो समानता की बात होगी, लेकिन आप उसको हटाते नहीं है, क्योंकि उसको हटाएंगे तो फिर उसकी जाति नाराज हो जाएगी। तो आप व्यक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं, आपको गरीबों पर ध्यान नहीं है, आपको इस देश के मिडिल क्लास और हायर क्लास से टैक्स तो लेना है, लेकिन उस टैक्स का बंटवारा हमेशा अपने राजनीतिक फायदे के लिए देना है, नीचे के लोगों का उत्थान करना नहीं है। हर गरीब को आरक्षण दे दीजिए, मैं विरोध नहीं करूंगा, हर गरीब को दे दीजिए। क्या आज पंडितों में गरीब नहीं है? क्या ठाकुरों में गरीब नहीं है? क्या बाकी सवर्ण क्लास में गरीब नहीं है? या क्या एससी में अमीर नहीं है, एसटी में अमीर नहीं है, ओबीसी में अमीर नहीं है? है, सब जगह है, दोनों क्लास हर जगह है। तो फिर काहे की समानता हो गई? किस बात की समानता? कौन सा समानता का आपका पैरामीटर है? समानता की बात करते हैं तो व्यक्ति को व्यक्ति से मिला दीजिए, तब तो मैं समानता की बात मान लू आपकी। बाकी सब आडंबर है, राजनीतिक प्रोपोगंडा है, पहले लोग कर रहे थे, आप भी कर रहे हैं। इस मामले में सारी राजनीतिक पार्टियां एक हैं, क्योंकि कोई रिजर्वेशन को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है। बिल्कुल दिलीप जी, ये करना संभव है, दिखता नहीं है कि फिलहाल, अभी तो कहीं से भी दूर दूर तक जिस तरह से जातियों को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए लगातार आरक्षण पे आरक्षण की जो सूची है ये जारी की जा रही है। अभी 27% पहले ऑल इंडिया कोटा के तहत दिया गया, और अब कीर्ति जी व्यक्तिगत लाभ हो रहा है, इससे कीर्ति जी व्यक्तिगत लाभ हो रहा है। अब जो व्यक्ति ओबीसी कमीशन का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, एससी एसटी कमीशन का चेयरमैन बन के बैठा हुआ है, वो कहां से सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गया? 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह उठाता है, सारे संसाधन सरकार के लेता है, हमारे टैक्स के पैसे से फ्री में मौज वो करता है, और आप कहते हैं कि साहब वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, हम इसलिए रिजर्वेशन दे रहे हैं। हम मर मर के पैसा कमाएं, अपने पैसे से 30% हम टैक्स देते हैं,
और आप उसको फ्री में संसाधन दें जो वेल ऑफ है, और फिर आप कहते हैं कि ये सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है इसलिए इसको रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए। ये समानता नहीं है, संविधान में समानता की बात नहीं करी गई है। आप शब्दों पे मत जाइए, शब्दों के मर्म पे जाइए कि उन शब्दों का मर्म क्या है, किस बात को लेकर के, किस सोच को लेकर के वो शब्द रखे गए थे। बिल्कुल दिलीप जी, इसीलिए कहा जा रहा है लगातार कि अगर पिछड़े वर्ग में वाकई उपेक्षित और परेशान जो लोग हैं अगर उन्हें शामिल किया जाता है तो जनगणना करा ली जाए, पता चल जाएगा कि माइनॉरिटी कितनी है, कौन है, और साथ ही साथ ओबीसी लिस्ट में किस जातियों को शामिल होना चाहिए, ये अहम हो जाता है जनगणना। अरे मैं कहता हूँ कीर्ति जी, आप गरीबी की जनगणना कराइए ना, आप तीन लेयर बना दीजिए, गरीब, मिडिल और अमीर। बिल्कुल जरूरी है दिलीप जी, हिसाब से उसकी इनकम के हिसाब से कैटेगराइज कर दीजिए, वो जरूरी है, इनकम का क्राइटेरिया फिक्स कर दीजिए कि इस इनकम के नीचे वाले जातीय जनगणना ना, इनकम कोई विरोध नहीं है, इनकम के आधार पर जनगणना और जातीय जनगणना अभी होती कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं वोट छिटकने का डर सता रहा है लगातार। जी कीर्ति जी, मैं एक बात और बता दूं, 70-72-75 साल से ये जो रिजर्वेशन का ढोल पीट रहे हैं ये लोग और अभी भी नगाड़ा बजाने पे तुले हुए हैं, आज भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर मात्र 2.3% है, इनके इतने रिजर्वेशन में फोर्स करने के बाद पता नहीं किसको ये ऊपर उठा के ले आए, किसी को नहीं लाए, सिर्फ अपनी राजगद्दी, अपनी सत्ता हासिल होती है, राजनीतिक पार्टियां इससे ऊपर उठ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, व्यक्ति तो ऊपर नहीं आ रहा है। दिलीप जी, दिलीप जी, जी अश्वनी जी, दूसरी पार्टियां नंगी हो सकती है हमाम में कीर्ति जी, मैं अभी बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कोई नहीं है। रिजर्वेशन खत्म करने की बात करिए, अगर आप कहते हैं आप दूसरों से अलग है तो आप रिजर्वेशन खत्म करने की बात करिए, क्या है करते तो आप भी वही है, ठीक है, एक एक करके दिलीप जी कहने से काम एक एक करके दिलीप जी अश्वनी जी का जवाब ले लेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, अश्वनी शाही जी बात हो रही है रिजर्वेशन खत्म करने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, और इन सरकार ने जो मोदी जी की सरकार ने जो प्राथमिकताएं उनके लिए तय की है, चाहे वो जनधन अकाउंट हो, झोला हो, गरीब कल्याण का अटल ज्योति योजना हो, ये सारी सौभाग्य योजना से लेकर जो आप जो कह रहे हैं उनको ऊपर उठाने का काम किया है। क्या जनगणना करा लीजिए ना, उसी तरीके से वो ऊपर न उठे, जो कल्याणकारी योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है वो किसके लिए चलाई गई है, अपर क्लास के लिए नहीं, उन लोअर क्लास के लिए चलाई गई है जो उनके उत्थान में सहायक है, और आज उनकी जीवन स्तर उनका उठ रहा है, चूल्हा फूंकने से औरतों को बीमारी नहीं हो रही है, आर्थिक आधार पर जनगणना करा लीजिए, जातीय जनगणना करा लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन वाकई उपेक्षित है। जवाब दे रहा हूँ, ये बताइए शाही साहब, क्या आपकी उज्ज्वला योजना, जनधन योजना जाति देख के आपने दी है कि सबको दी है, किसको दी है, जाति देख के दी है, सवाल का जवाब दिया है मैंने आपने, और मैंने इसमें सवाल नहीं उठाया, मैंने रिजर्वेशन पे सवाल उठाया है, रिजर्वेशन को खत्म करिए अगर आप कहते हैं, और ये सुन लीजिए आप अगर अश्वनी भाई, अगर आप चार काम अच्छे कर देते हैं तो आपको तीन काम खराब करने का अधिकार नहीं मिल जाता है, चार अच्छे करते उसकी तारीफ सुनिए और तीन बुरे करते उसकी क्रिटिसिज्म भी सुनिए, आप जो अच्छा करते हैं यहीं बैठ के तारीफ कर रहा हूं, 370 बहुत बढ़िया डिसीजन, कोई दूसरी पार्टी नहीं ले सकती थी, राम मंदिर का विवाद कोई पार्टी खत्म नहीं कर सकती थी, ये सिर्फ भाजपा कर सकती थी, एनआरसी सीए ये सिर्फ भाजपा ला सकती थी, कोई दूसरा नहीं ला सकता था, लेकिन रिजर्वेशन आप भी नहीं खत्म कर रहे हैं, ये आपकी भी कमी है, और आप इसको जानबूझ के बढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको भी इससे फायदा होता है, आप भी आदमी का भला नहीं चाहते हैं, अपना राजनीतिक भला चाहते हैं। ठीक है दिलीप भाई, हमको सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ठीक है, सबका साथ सबका विकास, आर्थिक ठीक है, अश्वनी शाही जी, दिलीप जी, अश्वनी शाही जी देखिए वो साफ तौर पर कह रहे हैं या तो रिजर्वेशन खत्म कर दीजिए या फिर आर्थिक आधार पर जनगणना करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा किसको वाकई रिजर्वेशन की जरूरत है और इन ओबीसी लिस्ट में किन जातियों को शामिल होना चाहिए, जिसमें आप कायस्थ की बात कर रहे हैं शायद तक वो नहीं आएंगे, और जो इस तरह की बातें होती है उससे ही मंशा पैदा हो जाती है कि राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, वाकई अगर आप पिछड़े जातियों के हक की बात कर रहे हैं तो आप तो हम भी उन पे आपके सपोर्ट में हैं। कीर्ति जी, जब हमने उज्ज्वला बांटा था तब भी राजनीतिक लाभ था, जब हमने जनधन खोला था तब भी राजनीतिक लाभ था, जब बंदी किया था सबको दिया, जनधन सबको दिया, ये आपने थोड़ी बांटा था, हम तो जो काम करते हैं सब राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, अरे भाई कभी तो देश हित के लिए हम कुछ काम करते हैं ये कह दिया कीजिए, जैसे अभी दिलीप भाई ने, मैं कह रहा हूँ दिलीप जी, ये आपने कहा
लेकिन मैं मानता हूँ उज्ज्वला आपने रिजर्व कैटेगरी को नहीं दिया था, सबको दिया था। उज्ज्वला के लिए सरकार काम कर रही है, कब कैसे देशवासियों का उत्थान होगा, कहां वो दबे हैं, कहां वो उठे हैं, वो सब समानता की बात मैं अभी भी कर रहा हूं। सरकारें समान रूप से सबको बेहतर करने के लिए काम करती हैं और कर रही हैं। रिजर्वेशन छोड़ करके, सवाल ले लूं अमाम भाई जी, आपको क्या लगता है जो बिल लाया गया है ये कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास किया जा रहा है या फिर अच्छी बात है? ठीक है दिलीप जी, अमाम भाई से सवाल ले रही हूँ मैं, क्या लगता है जातियों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है या वाकई में पिछड़ा समाज की जो जातियां हैं उनके हित के लिए और उनके हक के लिए बात हो रही है? कांग्रेस पार्टी गरीब पिछड़े मजदूर किसानों की पार्टी और उनके उत्थान के लिए उनकी तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने यूपीए काल में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे 25 करोड़ परिवार को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया था, जबकि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण 23,000 से ज्यादा लोग गरीबी में दोबारा चले गए। तो कांग्रेस पार्टी में गरीबों के लिए जो सिलेंडर था वो 410 रुपए में था, आज उज्ज्वला योजना के नाम पे जो सिलेंडर दिया जा रहा है कितने मिल रहा है आपको खुद ही मालूम होगा। और आप जाके गरीबों के घर में जाके देख लीजिए महोदय देख लीजिए, सिलेंडर ऊपर रख दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है, फिर मजबूर हो गया गरीब परिवार अपना चूल्हा फूंकने के लिए। रेणुका चौधरी आप ही की मंत्री थी, कांग्रेस पार्टी ने जो स्कीमें लाई थी वो गरीबों की तरक्की के लिए, गरीबों की खुशहाली के लिए, और कांग्रेस पार्टी जब भी सरकार में आएगी गरीबों के उत्थान के लिए उसकी तरक्की के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा अगले 100 साल तक नहीं आएगी। आज तक आदिवासी समाज उसी स्थिति में है, आज तक आदिवासी समाज उसी स्थिति में है, गरीब जानता है कि आज गरीब के लिए कौन बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। 410 रुपए का सिलेंडर आज 800-850 रुपए में कैसे मिल रहा है और पेट्रोल पे इतने भारी टैक्स सरकार में सुना है? क्या आपको नहीं मालूम, क्या आपको नहीं मालूम कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से खेती किसानी में महंगी होगी, गरीबों का अगर इतना ही आप लोग की तहसील है तो अभी तक क्यों नहीं उत्थान हो पा रहा था, अभी तक क्यों नहीं उत्थान हो पा रहा है? रिजर्वेशन कोटा लागू होने के बावजूद गरीबी रेखा जो गरीब है वो गरीबी रेखा में ही है, आज भी पिछड़ा वर्ग अपने आप को पेशे समझ रहा है। गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम अगर किसी सरकार ने किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस ने और रिजर्वेशन भी लगाते रहे साथ में, को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया गया है। और पिछले कुछ साल में जो है गोभी में गोभी उगाकर जो है गरीबी रेखा से बाहर हो गए जी, आपकी गलत नीतियों के कारण इन लोगों के अनियोजित लॉकडाउन के कारण सिर्फ एक महीने में लास्ट ईयर के एक महीने में 12 करोड़ परिवार ने नौकरी खो दिया, ये आपने स्थिति। तो वो कांग्रेस पार्टी किसके लिए है आप सबको मालूम है, आज उज्ज्वला योजना के तहत आपका जो सिलेंडर है क्या गरीब को नहीं मालूम है? कृषि आंदोलन के खिलाफ थे आप लोग जी, पूरा मानसून सत्र आप लोग ने हू हल्ले में निकाला, उसके बाद जैसे ही एक ट्रंप कार्ड फेंका गया बीजेपी की तरफ से ओबीसी का, वो बिल के लिए आप लोग ने तुरंत चुप्पी साध ली, क्यों उसके लेकर क्यों इतनी चुप्पी थी? तो इसको सारे मुद्दों को लेकर आप लोग इसी तरह से संयम के साथ बात कर सकते हैं, मानसून सत्र में टैक्स लगकर पैसा जाता है उसके जरिए मानसून सत्र होता है, उसके बावजूद संसद चलाना सरकार का काम होता है। हमाम भाई जी, संसद सत्र को भंग करना कहां से सही है? संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सवाल पूछना विपक्ष के काम होता है भाई, सवाल पूछिए क्यों नहीं? आज जनता के मुद्दे पे बात क्यों नहीं करने से आप भाग रहे हैं? क्यों पेगासस जो सबसे बड़ा मुद्दा है आप किसी के मोबाइल में, किसान का मुद्दा नहीं है क्या? जनता का मुद्दा, किसान के मुद्दे में क्यों नहीं बात करते? क्यों किसान संसद छोड़ के, क्यों किसान के लिए अश्वनी शाही जी मुद्दे बता रहे हैं, धरना दिए बैठे हैं? किसानों की बात होनी चाहिए, अश्वनी शाही जी आप खुद ही मुद्दे बता रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है आप मतलब मांग रहे हैं कि महंगाई है, आपने चर्चा किया इन्होंने, मैं मुद्दा बता रहा हूं ना, तो बिल्कुल महंगाई है ना आप ये मांग रहे हैं, 2014 तक किसानों के मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा की? महंगाई है ना, आपने अभी बोला महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? इनको करना चाहिए था, बिल्कुल मैं तो कह रही हूँ, ये बात ट्रैक्टर चला रहे हैं, जंतर मंतर पे जा रहे हैं, तो चर्चा करना चाहिए। आज जब उस पर चर्चा, 15 सवाल किसानों के संबंधित 15 सवाल एक दिन लोकसभा में थे, लेकिन आप बता दीजिए पेगासस आपकी सरकार ने लिया है कि नहीं खरीदा है, खरीदा है कि नहीं खरीदा है, जवाब क्यों नहीं देते? आप किसानों की बात करो ना, किसान पेगासस तो
रुपएगा 600 से मिलने प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, वन काल दे, वन काल दे, अभी तक प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं मिली। ये बताइए 650 किसान आंदोलन, 650 किसान शहीद हो गए, आपकी सरकार ने क्या किया? अब जब चुनाव सामने आया उत्तर प्रदेश का, तो ये किसानों के गांव में चौपाल लगाने के लिए जाएंगे। आप 650 किसान शहीद हो गए महोदय, प्रधानमंत्री से लेके कोई भी दिल्ली सरकार का मंत्री एक शब्द नहीं बोला, उलट उसके विपरीत आप लोगों ने खालिस्तानी बोला, पाकिस्तानी बोला। ये देश किसानों का है, ये देश किसानों का है। ठीक है ऐश्वर्या शाही जी, महंगाई की आपने बात करी है, महंगाई के मुद्दे पर आते हैं, थोड़ा सा महंगाई पर आप कह रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है तो आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि महंगाई है, वहां पर ये चर्चा नहीं होती है। संसद का मानसून सत्र पूरा निकल गया, वहां पर महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग को साधना था, 2022 का चुनाव था, इसलिए ताना बाना बुना गया। और राजनीति जी, आप अपने तरफ से राहुल जी को समझाइए कि वो चर्चा करें। 2004 ठीक है अश्वनी शाही जी, ठीक है सरकार की जिम्मेदारी, हम मांग भाई जी और अश्वनी शाही जी, ठीक है देखिए हम मांग भाई जी, आप लोग ने क्यों ऐसे निकाल दिया, आपको चर्चा करनी चाहिए, इनको बोलने नहीं दिया जा रहा, राज्यसभा के अंदर आपको चर्चा करनी चाहिए। टैक्स का पैसा लगता जाता है, लोगों का पैसा लगता है, धक्का मारा, ये स्थिति बना ली है, जो संसद का दृश्य है, जो आप देखिए क्या लगता है, ये चुनावी स्टंट है या फिर बेशक आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टियां हितैषी हैं, जिस तरह से विपक्ष ने भी चुप्पी साध ली और पक्ष में केंद्र सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी सौंपी दी है राज्यों पर। पार्टियां हितैषी हैं, अपने हित की हितैषी हैं, समाज हित की हितैषी नहीं है, और ये रिजर्वेशन सिवाय वोट बैंक पॉलिसी की और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ रिजर्वेशन लगाया गया था, आज वो उद्देश्य कहीं से पूरा नहीं हो रहा है। और मैंने आपको अभी 50 एग्जांपल दिए ना, कि अगर आप सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड आदमी का क्राइटेरिया मुझे बताते, तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी कानून में माइनॉरिटी और ओबीसी वर्ड परिभाषित नहीं है, जबकि इनके कमीशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई है, संवैधानिक दर्जा लेकर के वो कमीशन चल रहे हैं, लेकिन उस कमीशन के अंतर्गत आने वाले लोग कहां से डिसाइड किए जाएंगे, ये किसी कानून में किसी सरकार ने परिभाषित नहीं किया है। वो इसीलिए नहीं किया है कि जब हमको जैसी राजनीतिक जरूरत लगेगी, हम उस हिसाब से परिभाषा को बदल देंगे। और ये आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जिनको आप गरीब कह रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी कह करके उनको कह रहे हैं कि वो निचले लोगों के हैं, वो आज सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा ऊपर हैं, आप उनको नहीं हटा रहे हैं। एक बार मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर किस तरह से सीटें खिसकी थी, वो तो दिलीप जी आपको याद ही होगा, उस पर रिस्क लेना बनता नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये लाभ जरूर नहीं। कीर्ति जी मैं एक बात कहता हूँ, अगर हर राजनीतिक पार्टी जैसे ओबीसी आरक्षण पर एक साथ आ गए, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसी तरीके से रिजर्वेशन हटा दीजिए और सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ जाएं, तो कहां जाएगी देश की जनता, कहां आप किससे ऑब्जेक्शन करेंगे? ये सारी राजनीतिक पार्टियां अगर इस बात पर अडिग हो जाएं कि इस देश से रिजर्वेशन हट जाएगा, जातिगत नहीं होगा, और जाति आई कहां से, जातियां लाने वाली भी तो राजनीतिक पार्टियां हैं। दिलीप जी, अब सबसे बड़ा पेच ये फंस जाता है कि अब ये देखना अहम होगा कि कौन सी जातियों को इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन जब चल रहा था, तो सीधे तौर पर ये कह दिया गया था कि केंद्र के पास ये अधिकार है, केंद्र की तरफ से अधिकार आता है, अब तो राज्यों के पास अधिकार आ गया है, तो क्या चुनाव के तौर पर ये ओबीसी लिस्ट में शामिल करती है, ये देखना अहम हो जाएगा कि किस आधार पर ये ओबीसी लिस्ट में उन जातियों को शामिल करती है, कि क्या वाकई उनका हित देख रही है। कोई आधार नहीं है, जो मर्जी आएगी वो कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से पिछड़े वर्ग में शामिल करने का पर विरोध करती थी तमाम जातियों को लेकर, अब केंद्र सरकार ने आरक्षण का बिल पेश कर दिया, उसमें तमाम राज्यों को अधिकार दे दिया गया है कि वो शामिल कर सकती है जो जातियां वो चाहती है। 39 जातियों की लिस्ट ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में तैयार है, लेकिन आरक्षण सीमित है 27% पे, तो 50% की जो कैप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित की गई है, क्या उसको बढ़ावा मिलता है? लेकिन आपसे मैं लगातार यही अपील करती हूं कि इस तरह की जो चर्चा होती है, इस तरह के जो बिल पास होते हैं, उसकी असली हकीकत जानिए, क्योंकि आज भी लोग बेरोजगार हैं, आज भी लोगों के पास नौकरियां नहीं है, आरक्षण के तहत नौकरियां नहीं मिल रही है, तो देखना अहम होगा कि आपको आगामी चुनाव में वोट किस आधार पर देना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम डिबेट।